डियर स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे अभी तक हमने इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स के बारे में स्टडी किया अब हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू उसके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे इसकी थ्रू कौन कौन से फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है नाउ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो ए प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर देखिए जो हमारा सीपीयू होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम प्रोसेसर बोल देते हैं सेंट्रल प्रोसेसर भी बोल देते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं ये तीनों बातें एक हैं देखिए माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या है एक स्मॉल चिप है उस पर सब इंटीग्रेट कर दिया ठीक है तो वो हमारा माइक्रो चिप कहलाती है और माइक्रो प्रोसेसर भी इसको हम कह सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स इट कैरीज़ आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स के वो सारे के सारे फंक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं चाहे वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हों चाहे वो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हों चाहे आप कुछ आउटपुट प्रिंट कर रहे हों प्रिंटर की हेल्प से या फिर आप साउंड को प्ले कर रहे हों सारे के सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का जो वर्क होता है जो काम होता है वो आपका सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है नाओ डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सी होता है उसका वर्क है जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबका कोऑर्डिनेट करना उन सबको उन सबको इंटीग्रेट करना तो हम ये कह सकते हैं इट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूस आउटपुट अकॉर्डिंगली जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब से सीपीयू क्या करता है इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और उन उसके बेसिस पे आउटपुट को प्रोड्यूस करता है नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सी पी यू ऑल्सो हेल्प इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसिस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर सी पी यू जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा नाउ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बेसिकली कम्प्यूटर में एक्चुअली uh, जो मदरबोर्ड होता है जिसपे सारे के सारे हमारे हार्डवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं चाहे वो रैम हो पी सी आई स्लॉट्स हों एजीपी पी स्लॉट्स हों सी पी यू भी आपका वहीं पर इंस्टॉल होता है सी पी यू का अपना एक सॉकेट होता है इस सॉकेट में सी पी यू को इंस्टॉल किया जाता है सी पी यू जो हीट जनरेट करता है उसके लिए यहाँ पे एक हीट एब्ज़ॉर्बर लगा होता है एक सिंक होता है जो कि हीट को एब्जॉर्व करता है और डिसेमिनेट्स करता है धीरे धीरे उस हीट को वो कम करता है सो वी कैन से डैट हम कह सकते हैं सी पी यू इज़ इंस्टॉल्ड और इन्जर्टेड सॉकेट लोकेटेड ऑन द मदर बोर्ड नाओ नाओ स्टूडेंट्स जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर में उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्री कंपोनेंट्स होते हैं एक अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में कंट्रोल यूनिट है तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तो यहाँ पे हमारे तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सबसे पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट जिसकी हेल्प से सारी की सारी कंट्रोलिंग की जाती है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस वर्क करेगी क्या इंटरप्ट आया यूज़र ने कुछ इनपुट दिया या फिर या फिर यूज़र ने कोई एप्लीकेशन ओपन किया देखिए ए एल यू सेकेंड कम्पोनेंट है इसका ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अगर हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो इसका बेसिक पर्पस होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ऐसे ऑपरेशंस जिसमें कि अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे एडिशन करना है कहीं पे सब्ट्रैक्शन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस करना है माइनस करना है डिवाइड करना है तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की हेल्प से परफॉर्म होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे कोई सिलेक्शन करना है दो क्वांटिटी आपको दी हैं सिलेक्शन करना है कहीं पे आपको दो क्वांटिटीज़ को मर्ज करना है मिलाना है कंपैरिजन करना है तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं लास्ट निनट क्या होती है आपकी मेमोरी यूनिट होती है देखिए सीपीयू के अपने पास भी कुछ मेमोरी होती है उसके अपने भी कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो वर्क परफॉर्म करता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी से लगातार इसका क्या होता रहता है इंट्रैक्शन होता रहता है जो भी आपकी कंट्रोल यूनिट और ए होती है तो वी कैन से डैट ए सी पी यू जनरली हैज थ्री कंपोनेंट वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट एंड द थर्ड वन इज मेमोरी और स्टोरेज यूनिट नाओ नाओ स्टूडेंट्स अब हम सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कैरी करेगी किसी इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस पर आपने कहीं पे कंट्रोल प्लस पी किया कंट्रोल प्लस पी मीन्स आपने कहीं पे कोई प्रिंट दिया तो सीधी सी बात है वहाँ पर प्रिंटर इनवोक होगा तो इन्फॉर्मेशन इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस तक किस तरीके से फ्लो करती है वो सारा का सारा वर्क आपका कंट्रोल यूनिट का होता है सो वी कैन से डैट इट्स मेन टास्क टू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंप्यूटर नाउ कंट्रोल यूनिट जो होती है वो प्रोसेसिंग का कोई पार्ट नहीं है कंट्रोल यूनिट का बेसिकली जो फंक्शन है वो इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना है अगर कहीं पे कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कहीं पे टू प्लस थ्री हो रहा है या कहीं पे कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो सारा का सारा वर्क आपका ए करती है कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करती है प्रोसेसिंग में वो कोई भी हेल्प नहीं करती है वो केवल इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर नाउ एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट करती क्या है देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स में जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू फ्लो होती है नाउ एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करती है उसको एक ऑर्डर देती है कि आपको इस इंस्ट्रक्शन को इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है आपको उसको रन कराना है नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास में मेमोरी है अब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी के सारी आपकी कहां पर है मेमोरी में स्टोर है तो सबसे पहले क्या होता है इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेमोरी में से उसके बाद में उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है डिकोड का बेसिकली मतलब क्या है इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम क्या करवाना चाहते हैं इसकी डिकोडिंग होती है उसके बाद में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है नाउ स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है ए एल यू डेट इज़ अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यूनिट इसके बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या है अर्थमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करना दूसरा फंक्शन क्या है लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है जो हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं इसमें हम कह सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस ये सारी की सारी चीजें आती हैं लॉजिकल फंक्शंस की अगर हम बात करें आपको कहीं पर कंपैरिजन करना है आपको कहीं पर सिलेक्शन करना है तो वहाँ पर लॉजिकल फंक्शंस इन्वोक होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ों को एकॉर्डिंगली परफॉर्म करती है जो भी इंस्ट्रक्शन उसे दी जाती है देखिए बहुत सारे सी आते हैं हमारे पास में आपने देखा होगा सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स आए थे उनमें केवल एक सिंगल प्रोसेसर था आज हम बात करें तो हमारे पास में डूअल कोर प्रोसेसर्स भी आते हैं आई थ्री भी है आई फोर भी है सॉरी आई थ्री है आई फाइव है नाउ आई सेवन आई नाइन तक आ चुके हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा ए एल यू भी हो सकती हैं क्योंकि हम आजकल के कंप्यूटर्स की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो हमारे पास में क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग का है पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें तो दो टास्क कंटिन्यूसली पैरेलली एग्जीक्यूट करना तो वहां पर एक से ज्यादा ए की हेल्प ली जाती है नाउ अब नेक्स्ट यूनिट इज मेमोरी और स्टोरेज यूनिट और रजिस्टर्स देखिए सीपी के पास में जैसा कि मैंने आपको बताया उसके पास में अपने रजिस्टर्स होते हैं सीपी के पास में अपनी मेमोरी होती है जो कि रजिस्टर्स से मिलकर बनी होती है और रजिस्टर जो है सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी पार्ट है आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है सी का बेसिकली जो वर्क होता है अगर हम बात करें रैम का या फिर रजिस्टर्स का जो इंटरनल मेमोरी है डाटा को टेम्प्रेरी स्टोर करना सपोज़ आपने कोई नोमेरिकल परफॉर्म किया टू प्लस थ्री माइनस वन तो अगर हम बॉड मास की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है आपका एडिशन आता है टू प्लस थ्री फाइव हुआ डेट इज़ माइनस वन तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है हमारा इन बिटवीन रिजल्ट है तो ये भी कहीं ना कहीं सेव होगा तो इसके लिए सी पी यू अपनी मेमोरी को यूज़ होता यूज़ करता है ये हमारा टेम्प्रेरी स्टोरेज है जब हम नेक्स्ट इसको परफॉर्म करेंगे तब हमारे पास में आंसर आएगा फोर तो डेट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट तो सी पी यू टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए अपनी मेमोरी को यूज़ करता है रैम को भी यूज़ करता है रैम और सी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं नाउ नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सी की कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तो वहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप एक मोबाइल भी परचेज करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो इसमें प्रोसेसर आ रहा है वो सेवन ट्वेंटी जी है और उसकी जो स्पीड है टू पॉइंट टू गीगा हर्ज है तो व्हाट इज़ दिस एक्चुअल में ये क्लॉक स्पीड होती है द क्लॉक स्पीड ऑफ ए सी पी ओर ए प्रोसेसर रिफर टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस इन ए सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में आपका सी पी यू कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है वो उसकी क्लॉक स्पीड कहलाती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फोर पॉइंट जीरो गीगा हर्ष की तो इसका मतलब क्या है ये फोर बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में एग्जीक्यूट करेगा तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच